हेलो वीवर्स, मैं डॉक्टर रचना हूँ, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड क्रॉनिक डिजीज स्पेशलिस्ट। आज मैं आपको एपिथेलॉइड सारकोमा की होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे जो कंप्लीट क्योर करती है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। एपिथेलॉइड सारकोमा, इट इज़ अ सॉफ्ट टिश्यूज कैंसर स्टार्टेड इन द स्मॉल फ्रेम ग्रोथ ऑफ द लम्ब दैट इज पेनलेस। एपिथेलॉइड सारकोमा इज अ रेयर स्वेलिंग ग्रोथिंग टाइप ऑफ सॉफ्ट टिश्यू कैंसर, मोस्ट द कॉमन कॉज ऑफ बींग इन सॉफ्ट टिश्यूज अंडर द स्किन ऑफ फिंगर, हैंड्स, फोर आर्म, लोअर लेग और फुट। इट कैन बी स्टार्टेड इन अदर एरिया ऑफ द बॉडी। ये कहीं भी बॉडी से अपियर हो जाते हैं, बॉडी में किधर भी जाके अपियर हो जाते हैं, ये कैंसर्स डेवलप हो जाते हैं। एपिथेलॉइड सारकोमा हैंड्स में, फोर आर्म में, लोअर लेग में, पैरों में, फिंगर्स में या बॉडी के किसी भी पार्ट में को इफेक्ट करते हैं। कॉजेस क्या हैं? डीएनए म्यूटेशंस लाइक द जेनेटिक फैक्टर, रेडिएशन थेरेपीज, लिम्फोएडिमा एंड एक्सपोजर टू केमिकल एंड एक्सपोजर टू वायरस एंड इन्फेक्शंस, इन कारण से ये कैंसर एपिथेलॉइड का डेवलप हो जाता है। इससे पहले भी मैंने 3-4 कैंसर्स की वीडियोस बनाई है। अगर आपको सारकोमा से डीप रिलेटेड इन आपको चाहिए, उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके सारकोमास को सेलेक्ट करके उसे वॉच कर सकते हैं, जिसमें मैंने पूरी तरीके से टाइप और कॉजेस उसमें डिस्क्लोज किए हैं, वहीं बताया है। एपिथेलॉइड सारकोमा के साइनिंग सिम्टम्स कैसे होते हैं? ऑल स्वेलिंग एंड लम्ब दैट द पेनलेस। इट यूजुअली स्टार्ट आउट ऑफ द सिंगल ग्रोथ बट मल्टीपल ग्रोथ सारकोमा समटाइम द अपियर अल्सर लाइक लुकिंग लाइक द ओपन वुड्स ओवर द ग्रोथ, पेनलेस रेडनेस एंड स्किन कलर चेंजिंग लाइक द ब्लैक एंड ब्लूइश। जैसे वुड एक अल्सर हो जाता है, बहुत सारे पेशेंट्स को ये घाव हो जाते हैं, जैसे हिंदी में उसे घाव कहते हैं, बहुत टाइम तक वो क्योर नहीं हो पाता, बट अगर उसका इन्वेस्टिगेशंस कराया जाए तो बाद में पता चलता है कि वो कैंसर्स में डेवलप हो गए हैं, उस कैंसर हो गया है। तो इस तरीके से जो ज़ख्म होते हैं वो क्योर नहीं हो पाते हैं, बट होम्योपैथी इसे कम्प्लीट क्योर करती है। पर किसी भी एपिथेलॉइड सारकोमा या किसी भी तरीके के सारकोमा से आप सफ़र कर रहे हैं तो आपको होम्योपैथी मेडिसिन्स लेनी चाहिए और आपको होम्योपैथी कंसल्ट करना चाहिए, जिससे कि आप कंप्लीट क्योर हो सकें। होम्योपैथी में इम्बलाइजेशन, केस टेकिंग, कॉन्स्टिट्यूशन बिहाफ पे ट्रीटमेंट होते हैं, जिससे कि परमानेंट हीलिंग होती है। एपिथेलॉइड सारकोमा कंप्लीट क्योर होता है। इनकी होम्योपैथिक मेडिसिंस बताने से पहले बता दें कि ये जो मेडिसिंस मैं आपको बताऊंगी, ये कॉमन मेडिसिंस होती हैं, पॉलीक्रेस रेमेडीज होती हैं। आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं, स्टार्टिंग में 1-2 वीक्स यूज़ करिए। अभी अगर आपको हीलिंग हो रही है, इम्प्रूवमेंट है, तो आप इन्हें कंटिन्यू करिए, बट आपको 3-4 वीक्स में भी इम्प्रूवमेंट्स नहीं फील हो रहा है ये मेडिसिन लेने के बाद भी, तो आपको होम्योपैथी कंसल्ट करना चाहिए, जिससे कंप्लीट क्योर हो सके। होम्योपैथी मेडिसिन नेम है एपिस 200, 2 times a day फॉर 12 वीक के लिए यूज़ कर सकते हैं। 4 pills मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक एंड 4 pills नाइट आफ्टर फूड। डाइट इंस्ट्रक्शंस में आपको पिकल्स अवॉइड करने हैं, एक्सेसिव सॉल्ट, एक्सेसिव शुगर आपको अवॉइड करना है। यही एक डाइट इंस्ट्रक्शंस मैं फॉलो कराती हूँ अपने सभी पेशेंट्स को। अगर आप एक्यूट कंडीशन में एपिथेलॉइड सारकोमा से सफ़र कर रहे हैं तो आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपको एक्यूट या क्रॉनिक कंडीशंस हो गया है और साथ में अदर हेल्थ इशूज़ भी है, तो आपको होम्योपैथी कंसल्ट करना चाहिए, जिससे कि आप कंप्लीट क्योर हो सकें। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में डिफरेंट सारकोमास की वीडियोस बनाएंगे और अपलोड करेंगे, जिसमें ट्रीटमेंट, होम्योपैथी मेडिसिन नेम डिस्क्लोज करेंगे। एपिथेलॉइड सारकोमा से रिलेटेड किसी भी तरीके की क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं।